हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैंने आप लोगों को थैंक्स बोलने के लिए बनाया है, क्योंकि हमारे जो चैनल है तेरेस किचन, उस पर 100K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और ये आप लोगों के सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और आज जो मैंने लंच में थोड़ा सा स्पेशल बनाया है, और वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाई है दम बिरयानी। तो दम बिरयानी में बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 kg चिकन। इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, इसे अब मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही ली है। 2 टमाटर को इस तरह से मैंने गोलाई के आकार में कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च है, और अदरक के टुकड़ों को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, तो इसे भी ऐड कर देना है। 1/2 कप फ्राइड अनियन ऐड किया है, 2 टी स्पून बिरयानी मसाला है, मिक्स कर लेते हैं इसे। 1/2 कप ऑयल भी ऐड कर देना है, तो यहाँ इसे मैंने ऐड कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ऐड करूँगी, ताकि ये थोड़ी सी तीखी बने, क्योंकि जो चावल होता है बिरयानी का थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है। सॉल्ट 1/2 टीस्पून और 1/2 लेमन जूस भी ऐड करना है। इसी से पहले ही ऐड करना था, मिक्स करने से पहले, तो जो मैं भूल गई थी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज में रख देंगे ढककर। और उसके बाद हम फिर जब इसे निकालने का टाइम होगा तब आगे की तैयारी करेंगे। चिकन को फ्रीज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम चावल को कुक कर लेते हैं। एक पतीली में मैंने 5 गिलास पानी ऐड किया है, और इस पानी में बॉयल आने देते हैं पहले। तो यहाँ पर पानी में एक बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पर ये 2 गिलास मैंने चावल लिया है और इसे वॉश करके ले लिया है, बासमती राइस है ये, तो ऐड कर देना है। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, इसे मिक्स कर लेते हैं। जिस गिलास से मैंने पानी लिया था उसी गिलास से चावल को मैंने नापा है, तो ये गिलास है, 2 गिलास मैंने लिया था इस गिलास से चावल। तो इसे में हमें 1/2 कुक्ड करना है, मतलब कि 80% हमें इसे कुक्ड करना है। एक कनी रह जाए बस इतना ही पकाना है, तो ये कुक हो चुका है वैसा। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेना है हमें। तो इस तरह से एक छन्नी है, उसमें मैं छान लूँगी ये सारा, तो इस तरह से चावल ऊपर रह जाएगा और इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा। तो अब आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर एक बड़ा पतीला चढ़ा दिया है, और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन जिसमें था उसमें थोड़ा सा पानी मैंने डालकर इसमें ऐड कर दिया है। ऊपर से धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती ऐड करना है, और जो चावल हमने पका कर रखा था 80% वो चावल ऐड कर देना है। इस तरह से इसे हल्के से स्प्रेड कर देना है, और फिर ऊपर से हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर येलो फूड कलर और रेड फूड कलर 2 ऐड कर रही हूँ मैं, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग एक भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 फूड कलर ऐड किया है। ऊपर से थोड़ी सी हम देसी घी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ऐड की है, और फ्राइड अनियन थोड़ी सी हम ऐड करेंगे। इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, और वापस से धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती ऐड करते हुए हम इसे कवर करके 30 मिनट के लिए कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो मैंने इसे दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, और ये दम पर रखी हुई है बिरयानी हमारी, और हम आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम नूडल बनाएंगे। नूडल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और ये हक्का नूडल है, आप देख सकते हो। इसकी प्राइस 15 रुपीज़ है। तो इसे अब हम, पानी बॉयल हो चुका है, इसे इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करना है, इसे एक मतलब मिक्स कर लेना है, और इसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, और बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है नूडल हमारा, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है। इस तरह से इसे चेक कर लेते, बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं, मतलब ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है, इसे इस तरह से छन्नी में रख दिया है। अब हम इसको कुक कर लेते हैं। एक पैन को गर्म कर लेना है, और इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड करना है। बाकी की भी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या मैंने इसमें लिया है। यहाँ पर मैंने 5 लहसुन को बिल्कुल बारीक चॉप किया है, 2 हरी मिर्च है, 1 बड़ी प्याज को स्लाइस में कट किया है, थोड़ा सा पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को लंबाई के आकार में कट किया है,
सबसे पहले हम लहसुन ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है हमें। अभी लहसुन को हम आधे मिनट के लिए कुक करेंगे। हमें इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे कुक कर लेना है 30 सेकंड के लिए। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमें ब्राउन नहीं करना है, इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है हमें। यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को भी ऐड कर देना है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है, इसे हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 2 मिनट हो चुका है और सब्जियाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस हल्की सी कुक करना है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ नूडल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस ऐड करना है। 1 टीस्पून सोया सॉस और 3 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी टोमेटो सॉस। अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो 4 टीस्पून भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं 3 टीस्पून ऐड की हूँ। वेनेगर ऐड करना है 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और 2 स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या फिर आप इसे टॉस भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो हम बाहर खाते हैं नूडल्स स्ट्रीट पर जो मिलता है वो, तो उसका कलर रेड होता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है रेड कलर का। तो देखिए नूडल का कलर बहुत ही अच्छा आया है मिक्स करने के बाद, आप देख सकते हो। तो नूडल हमारा रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना। इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब बिरयानी चेक कर लेते हैं। बिरयानी को पकते हुए भी 1/2 घंटा हो चुका है और ये कुक हो चुकी है अच्छे से। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। अब हम केक बनाते हैं। तो केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 तरह का बिस्किट लिया है और इसे तोड़ लेना है पहले, और इसे हमें एक ग्राइंडर जार में ऐड करके पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 कप मिल्क लेना है और इसे भी ऐड कर देना है। इसी में हमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है, जो मैं भूल गई थी, तो वापस से मैंने इसे ऐड किया और फिर एक मरतबा और ग्राइंड कर लिया है। तो इसे उस टाइम पर ही आप ऐड कीजिए। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है केक का। एक केक पैन को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है और फिर इसमें मैंने इस बैटर को ऐड कर दिया है। इसे हम 2-3 बार इस तरह से टैप कर लेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई को मैंने पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट हो चुकी है और इसे मैं कवर करके 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तब तक के हम बिरयानी निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं बिरयानी हमारी किस तरह से कुक हुई है। तो देखिए ये कितनी अच्छी से कुक हो चुकी है, आप देख सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिरयानी को मिक्स करने के टाइम मुझे अंदाज़ा हुआ कि नीचे जो मसाला है थोड़ा सा जल गया था, तो इसमें थोड़ा पानी कम पड़ गया है। तो आप 1/2 गिलास पानी ज़रूर ऐड करना जब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे, उसी के ऊपर 1/2 गिलास पानी ज़रूर ऐड करके मिक्स करना, फिर बाद में बाकी की चीज़ें ऐड करना, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए चिकन बहुत ही अच्छी से बॉईल हो चुका है। 1/2 घंटे में बहुत ही अच्छी से बिरयानी कुक हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो इसे हम एक बोल में अब निकाल लेते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती भी ऐड कर दी है मैंने ऊपर से, और एक बोल में इसे भी निकाल के ढक कर के रख दूंगी मैं, क्योंकि अभी केक बनाना बाकी है। तो इसे वापस से कवर करके रख देना है। अब इसके बाद सिर्फ केक रह गया है जो कि कुक हो चुका होगा, तो उसे भी देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुका है तो चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से एक टूथपिक की हेल्प से मैं चेक करूंगी। तो देखिए बिल्कुल क्लीन आई है, मतलब कि केक हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे हम। तो ये ठंडा हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक नाइफ की हेल्प से इसके किनारों को अलग कर लेंगे। वैसे तो ये अलग हो ही चुका है, दिख रहा है ये देखने में ही। इसे एक प्लेट में इस तरह से हमें पलट के निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से ये चॉकलेट केक हमारा निकल गया है। आपको दिखाते हैं कितने स्पॉन्जी बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसको मैंने वापस टर्न कर दिया है केक को, और ये चॉकलेट सॉस है जो 2 से 3 चम्मच मैं ऐड करूंगी और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। तो चॉकलेट सॉस को मैंने यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है हर जानिब से। और यहाँ पर मेरे पास चूंकि क्रीम नहीं है तो मुझे इस पर 100K लिखना था, तो इसलिए मैंने इस तरह से स्प्रिंकल से लिख दिया है।
थोड़ी सी कोशिश की थी लिखने की, बहुत अच्छा नहीं लिखा। अब इसे हम कट करते हैं। मेरे साथ केक कट कर रही है मेरी तीन एंजल्स, और नीचे सबसे नीचे एक छोटा सा क्यूट सा हाथ है, वो मेरी सबसे छोटी बेटी है जो कि सिर्फ 9 मंथ की है। बहुत ही शरारती और बहुत ही क्यूट है। तो फ्रेंड्स, ये केक पहले आप लोगों के लिए, तो अब मैं बच्चों को पहले खाने के लिए देती थी, क्योंकि कुछ स्पेशल जब बनता है तो बच्चों को बहुत ही जल्दी होती है खाने की। उन्हें पहले नूडल्स खाना है, बाद में केक खाएंगे। बिरयानी भी सर्व कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए हमारे साथ खाने के लिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।